गर्मी को बीट करने के लिए, बॉडी को कूल रखने के लिए आज हम बनाएंगे मैंगो जलजीरा। बहुत ही टेस्टी और यमी ये ड्रिंक बनकर के तैयार होती है। सब में बड़ी बात ये है कि ये 15 मिनट में रेडी होगी और शुगर फ्री है। तो चलिए ये यमी सा ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है लिया था ये तोता परी आम, ये कम खट्टा होता है। 3 विसल आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। इसका प्रेशर नीचे आ गया तो मैंने इनको ओपन किया है और ये ठंडा हो गया। तो अब इसका पल्प जो है ना हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंगो की जो स्किन होती है इसके ऊपर भी काफ़ी पल्प होता है, तो इसलिए यहाँ से इनको इस तरह से स्पून से आपने स्क्रैच कर लेना है। ये देखिए, देखा आपने, बहुत ही ईजिली यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, कच्चे मैंगो की जो तासीर है, जो प्रॉपर्टी है ना, ये ठंडी होती है। तो जब भी कहीं धूप में से आए ये जो है ना ड्रिंक आप ज़रूर पिए, आपको धूप कभी भी नहीं लगेगी क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। पके हुए आम की तासीर गर्म होती है और कच्चे आम की तासीर ठंडी होती है। ये देखिए, इजीली इसका पल्प जो है हमने यहाँ से निकाल लिया है। यूपी में इसकी ड्रिंक बहुत मिलती है जिसको आम शोला और या फिर आम शोला बोलते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि आम को वो लोग रोस्ट करके आग में फिर बनाते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करता है। लेकिन आज जो हम ड्रिंक बना रहे हैं इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है आम शोला या फिर आम शोला से। और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से पल्प बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। यहाँ पर मैंने गुड़ को पहले से भिगा करके रखा था क्योंकि हम विदाउट शुगर बना रहे हैं। तो गुड़ में एक बार इसको ट्राई करिए, इतना मज़ेदार लगेगा ना कि आप हर बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जब तक हमारा आम पक रहा था ना उस बीच ये गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका था। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मैंगो की सिर्फ आधी प्यूरी। आधी को मैंने क्या किया है, किसी भी कंटेनर में डाल करके मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ड्रिंक बनाना होगा पल्प निकालूंगी और फटाफट से इस तरीके से बना लूंगी। तो आप भी ना एक बार 2-3 आम को बॉयल करके उसकी इस तरह से पल्प बना करके फ्रीज़र में रख लीजिए और जब भी धूप पे से आइए फटाफट से ये बना लीजिए। खूब सारा यहाँ पर हमने पुदीना डाल दिया है, गुड़ और आम, उसके साथ पुदीना, ये ज़ीरा, सोचिए कितना टेस्टी होगा। 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला था पिसा हुआ, और ये एक सैशे छोटा सा जो 2 रुपये का मिलता है ना जल ज़ीरा, मैंने ये डाल दिया है। इससे तो बस टेस्ट मत पूछिए कहाँ जाएगा। और ये काला नमक तो हमें भूलना ही नहीं है, इससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। अब आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल करके सिर्फ इसको पल्स मोड पर 1 से 2 बार चला ले ताकि मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए ताकि जो प्यूरी है, गुड़ है ना, वो आपस में अच्छे से मिल जाए और पुदीने के जो चंग है वो थोड़े से छोटे हो जाए। ज़्यादा देर तक हमें ग्राइंड नहीं करना है, बस हल्का हल्का हमने ग्राइंड किया। देखिए रेडी हो गया है, इसको साइड में करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट में हम ले लेते हैं लाल मिर्ची पाउडर और ये नमक, इनको हम मिला लेते हैं और उसके बाद में हम इसको ग्लास के ऊपर जो है ना एजेस के ऊपर यहाँ लेमन लगाएंगे और ये मिर्ची को हम इसमें जो है वो डिप करके कॉर्नर को गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ग्लास रेडी है ड्रिंक को सर्व करने के लिए। फटाफट से आइस क्यूब डालते हैं, उसके बाद में 2 से 3 लेडल डाल देंगे ये मज़ेदार सी फ्लेवरफुल वाली मैंगो की प्यूरी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चिल्ली पाउडर या फिर 1 हरी मिर्च को पीस करके ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो। यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ वाटर, ये बहुत ही ठंडा पानी है। स्प्राइट या फिर सोडा आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ स्प्राइट का बॉटल लिया है, उसके अंदर पानी रखा हुआ था पहले से। आपको ज़रूरत ही नहीं है सोडा या फिर स्प्राइट डालने की क्योंकि इसके अंदर खुद अपना बहुत सारा फ्लेवर है दोस्तों। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।